नमस्कार, NIOS के DLED कार्यक्रम में आप सभी शिक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम लोग भाषा के जिन विभिन्न कौशलों की चर्चा की जाती है, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनमें अंतिम कौशल यानी लेखन पर बातचीत करेंगे। मैं निरंजन सहाय, प्रोफेसर हिंदी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी, आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में विद्वान डॉक्टर ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है ज्ञानदेव जी। धन्यवाद। शिक्षार्थियों, आपकी तरफ से डॉक्टर ज्ञानदेव मणि का स्वागत है। आप प्राचार्य हैं मैत्रेय कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड एजुकेशन, हाजीपुर, वैशाली, बिहार। हम सभी के लिए यह एक आनंददायी बात है कि ज्ञानदेव जी ने विभिन्न पाठ्यक्रम समितियों के साथ काम किया है और उनके विशद अनुभवों का हम सभी को आज लाभ मिलेगा। ज्ञानदेव जी, यह बताइए कि भाषाई कौशलों को सबसे पहले स्पष्ट करिए और यह बताइए कि लेखन के बारे में हम कैसे अपनी राय बना सकते हैं। धन्यवाद। आज हम भाषा कौशलों के एक तरह से के अंतिम पादान पर रहने वाले लेखन, सुबो पल्ली जब हम कहते हैं तो लिखना उस क्रम में सबसे अंत में आता है, और उस पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। तो हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि लेखन का अर्थ क्या है। जब भाषा को हम एक ऐसा औजार कहते हैं जिसका उपयोग जिंदगी को समझने और उससे जुड़ने और जीवन जगत को प्रकट करने के लिए करते हैं, तब सहज ही हमारा ध्यान भाषा से अर्जित कौशलों की तरफ जाता है। उन कौशलों की पहचान हम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के रूप में कर सकते हैं। यह क्यों जरूरी है? NCERT के हिंदी पाठ्यक्रम में इसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से कहा गया है, उसे यहाँ उद्धृत करना तर्कसंगत होगा। विद्यार्थियों में बोलने का कौशल इस सीमा तक विकसित हो चुका हो कि औपचारिक चर्चाओं में वे बेझिझक बोल सकें, वे अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट और व्यवस्थित और असरदार ढंग से अभिव्यक्त कर सकें, भाषा पर उनका इतना अधिक अधिकार हो चुका हो कि वे जीवन की विविध स्थितियों से आत्मविश्वास पूर्वक गुजर सकें, विभिन्न प्रकार के औपचारिक व अनौपचारिक संदर्भों के अनुसार उचित शैली चुन सकें। भाषा को जानदार बनाने के लिए उर्दू और आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल करने की समझ उनमें हो। पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना, इन चार प्रक्रियाओं में विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान की सहायता से अर्थ की रचना कर पाएं और कही गई बात के निहितार्थ को भी पकड़ पाएं। जी, आइए अब हम लेखन के बारे में विस्तार से बात करें, अर्थात लेखन के अर्थ, महत्व और प्रकृति के बारे में विस्तारपूर्वक अपनी समझ बनाने की कोशिश करें। लिखना क्या है? जी, लिखने का अर्थ माना जाता है ऐसे चिन्ह और आकृतियां बनाना जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझी जा सके। हालांकि यह परिभाषा सीधी साधी है, किंतु यह हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थों में छिपी बारीकियों की ओर ध्यान देती है। उदाहरण के लिए, यह परिभाषा अभिव्यक्ति और लिखने के बीच महत्वपूर्ण कड़ियों को व्यक्त नहीं करती। यदि कोई व्यक्ति एक ऐसा चित्र बनाता है जो कि दूसरे व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है, फिर भी उसे हम भाषा नहीं कहते। जी, यह परिभाषा बोलने और लिखने के बीच महत्वपूर्ण कड़ी को भी अनदेखी करती है। बोलने और लिखने की क्रियाएं बहुत ही अलग अलग समय पर आरंभ हुई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य ने भाषा बोलना लगभग 10 लाख वर्ष पहले आरंभ कर दिया था। जी जी, जबकि भाषा को लिखना लगभग 5000 वर्ष पहले आरंभ हुआ है, यानी लेखन का विकास बाद में हुआ, अपेक्षाकृत बाद में हुआ है। और लिखने की जो प्रक्रिया है ये उतनी पुरानी नहीं जितनी वाचिक परंपरा है। जी जी, बोलने की जो प्रक्रिया है वो जितनी पुरानी है, लेखन एक तरह से महज 5000 साल पुराना है, फिर भी 5000 साल पुराना है। जी जी, तो यह भी पुराना ही है। पृथ्वी के सभी समुदायों में बोलने की भाषा का जन्म लिखने की भाषा से बहुत पहले हुआ है। जी, इसे सिर्फ याद रखने की आवश्यकता है कि कोई भी भाषा जो आज लिखी जा रही है, ऐसा नहीं है कि
उसका विकास लिखने के साथ ही साथ हुआ, बल्कि कई भाषाएं समुदायों के पास या मनुष्य के पास रही हैं जो वाचिक परंपरा में ही विकसित हुई, जिन्हें बाद में कोई लिपि मिली और लिखना जिनमें शुरू हुआ। जी, कई समुदाय ऐसे भी हैं जिनके पास लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी सामाजिक और क्षेत्रीय सीमाओं का विकास होने लगा, मोटे रूप में इसी के साथ लिखने की भाषा का जन्म हुआ या आरंभ हुआ। जी, लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जिसमें बोली गई बात को व्यक्त किया जा सकता है। बोले गए शब्द अमूर्त, अप्रत्यक्ष एवं अस्थाई होते हैं, जबकि लिखित शब्द मूर्त, प्रत्यक्ष एवं स्थाई होते हैं। दूसरा, बोलते समय सुनने वाला अक्सर हमारे सामने होता है। आमतौर पर अब तो दूरदर्शन के दौर में हम लोग हैं जब हम और आप आमने सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आमने सामने का बोध हो रहा है। यह आधुनिक विज्ञान की देन है। लेकिन जब यदि आप भाषा की प्राचीनता को देखें तो उस समय ऐसा ही था कि हम आमने सामने होते तभी बोलकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते थे। लेकिन लिखने का विकास होने के बाद इसकी सीमा बढ़ी। जी, लिखना इसलिए भी आवश्यक है कि हम बड़े समूह तक यदि अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं या उसे कालजीवी बनाना चाहते हैं। जी, बोलने जी, का भी अब जब से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था हो गई है हम उसे रख सकते हैं, लेकिन जब यह व्यवस्था नहीं थी तो लिखकर ही या किताबों के माध्यम से ही हम अपने बातों को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रहित करते थे या उन तक पहुंचा पाते थे। जी, अब समय बदलने के साथ साथ ये सब कुछ संभव हो चुका है कि आप हो या न हो, आपकी बात, आपकी वाणी, आपका व्यक्तित्व, मतलब सशरीर आपकी उपस्थिति कभी भी हो सकती है। जी, इस प्रकार हमारे संदेश की विषय वस्तु में शब्दों के अर्थ और साथ ही ऐसे हाव भाव शामिल होते हैं जिनमें हमारी आवाज़ों की ध्वनि संबंधी गुणवत्ता भी सम्मिलित होती है। भाषा के बोले गए रूप में किसी भी प्रकार की गलतफहमी की स्थिति में हम तुरंत ही अपने आप को या अपने उस कथन को ठीक कर सकते हैं। जी, किंतु भाषा के लिखित रूप के साथ ऐसी सुविधा नहीं होती है। लिखित रूप कहने का अर्थ मुझे लगता है कि एक तरह से वो प्रकाशित रूप भी है, क्योंकि लिखने के बाद तो ये गुंजाइश रहती है कि आप उसमें संशोधन परिमार्जन कर सकें। इस संदर्भ में प्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी ने कहा है कि बोलने से जबान नहीं कटती है, लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं। जी, मुझे लगता है कि यह संदर्भ भी छपी हुई सामग्रियों से ही है, क्योंकि सौभाग्य से हमारे पास लिखते समय कहीं अधिक समय होता है जितना कि हमारे पास बोलते समय होता है। यानी जब आपने एक बार कोई बात कह दी तो उसे फिर वापस नहीं ले सकते, उसे सुधार सकते हैं। जी, जबकि लिखने के क्रम में आप चाहें तो एक किसी बात को जिसे आपने लिखा है उसे फिर दोबारा पढ़ते हैं और आप चाहें कि उसमें सुधार करें तो इसके अवसर आपके पास होते हैं। लेकिन जब यह मुद्रित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर ऐसा करना संभव नहीं होता। अतः बोले जाने वाले वाक्य लिखित वाक्यों की तुलना में अपेक्षाकृत कम जटिल होते हैं। भाषा लगातार बदलती व विकसित होती रहती है, किंतु ये बदलाव लिखित भाषा की अपेक्षा बोलने की भाषा में जल्दी दिखाई देता है। जी, लिखित भाषा अपना स्वरूप लंबे समय तक बनाए रखती है और बहुत धीरे धीरे बदलती है। बच्चों के द्वारा लिखना सीखने के संदर्भ में यह बिंदु महत्वपूर्ण है। जी, कि शुरू में बच्चे के द्वारा लिखने के सभी प्रयास शब्द की ध्वनि और जिस तरह से शब्द बोले जाते हैं उससे प्रभावित होते हैं। यानी आप बच्चे तक वो शब्द जिस तरह पहुंचेगा जी, वह उसी तरह उसे लिखने की कोशिश करें। ये आप इस बात पर प्रकाश डाल रहे हैं कि बच्चे बच्चियों की दुनिया में जी लेखन कौशल का प्रवेश कैसे होता है। बिल्कुल जी। तो यदि बच्चे सुनकर लिख रहे हैं तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षक शिक्षिकाएं इस बात का ध्यान रखें कि हम बच्चों तक भाषा को उसी तरह पहुंचाएं जिस तरह उनसे लिखवाना चाहते हैं या जिस तरह लिखने की एक तरह से प्रैक्टिस उनसे कराना चाहते हैं। यानी ध्वनि की जो बिल्कुल बिल्कुल अपनी विशेषता होती है उसका ध्यान रखना ध्यान रखना चाहिए शिक्षक शिक्षिका शिक्षक शिक्षिकाओं को। लिखित भाषा अपना स्वरूप चूंकि लंबे समय तक अभी हमने उस पर चर्चा की कि बनाए रखती हैं, शुरू में बच्चों के द्वारा लिखने के सभी प्रयास शब्द की ध्वनि और जिस तरह से शब्द बोले जाते हैं उससे प्रभावित होते हैं। यदि बोली गई ये ध्वनियाँ लिखने के स्वीकृत प्रकारों के साथ मेल नहीं खाती हैं
तो इससे बच्चे बच्चियों द्वारा गलतियां करने की संभावना बढ़ जाती है जी। जैसे ही हमारे कोई शब्द हमारे सुनने में कुछ और सुनाई देता है तो हम जैसा सुनेंगे, बच्चे जैसा सुनेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ध्वनियों पर हम विशेष ध्यान दें। जी जी, एक रोचक प्रसंग की तरफ हम लोग देखें जी, तो जैसे स्थान बदलने के साथ ही साइन बोर्ड पर लिखे जो शब्द होते हैं जी जी, उसका बदले हुए उसके बदले रूप नजर आते हैं, वो बोलने के स्टाइल से ही उस पर असर पड़ता है। जैसे दिल्ली में आपको लो कल्लो बात, हाँ, तो हाँ, कर लो बात नहीं, लो कल्लो बात। सही बात है। तो इसलिए शिक्षक शिक्षिका को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह जो बोल रहे हैं या बोल रही हैं वह ठीक से अपनी ध्वनि संपदा के साथ, हाँ, ताकि उसको समझ के बच्चे लिखने का अभ्यास कर सकें जी। इस प्रकार से गलतियां अक्सर सीखने की दिशा में बढ़े हुए कदम को दर्शाती हैं और इसलिए उन्हें उनके उचित संदर्भ में देखा जाना आवश्यक है। बच्चे यदि गलतियां करते हैं तो उनके सीखने की संभावना बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों की गलतियां उन्हें सीखने के मार्ग अवरुद्ध करती हैं या बंद करती हैं। यदि इस क्रम में बच्चे गलतियां करते हैं तो यह मानना चाहिए कि वो सीख रहे हैं, यह नहीं मान लेना चाहिए कि वो लिखना सीख नहीं सकते हैं। लेखन शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के लिख धातु से बना हुआ है। कुछ लोगों के अनुसार यह क्रियावाचिक प्रतीकों को स्थायित्व प्रदान करने का साधन मात्र है। जो आप काम करते हैं जी, उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए लेखन का प्रयोग करते हैं। करते हैं, लेकिन इसका यह कार्य संकुचित अर्थ में ही स्वीकृत है जी। यदि गंभीरता पूर्वक विचार करें तो ज्ञात होगा कि लिखना भाव अभिव्यक्ति का ही साधन है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का साधन है। हम जिस कार्य को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, क्या उस कार्य को लिखकर व्यक्त नहीं करते हैं? निश्चय ही करते हैं। हमारे जीवन में बहुत से ऐसे उदाहरण एवं प्रयोजन मिलते हैं जहां हम अपनी भावनाओं को बोलने की अपेक्षा लिखकर व्यक्त करने में सरलता एवं सहजता का अनुभव करते हैं। इतिहास इसका साक्षी है कि बहुत से ऐसे विचारक हुए जो अपनी भावनाओं को बोलने की अपेक्षा लिखकर ही व्यक्त किए, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे समाज में भी देखने को मिलता है। आज वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भारवी, वाणभट्ट, विद्यापति, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद, गोपाल सिंह नेपाली जैसे विविध भाषाओं के विविध लेखक लेखनाभिव्यक्ति द्वारा अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं करते तो निश्चय ही हम आज उन ग्रंथों के आस्वादन से अनभिज्ञ होते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लिखने की परंपरा में ये इनकी रचनाएं शामिल न होती तो संभव था कि हम तक इनकी रचनाएं न पहुंच पाती और हम उस साहित्य से या उस समय रचा गया जो साहित्य था या उस समय देश काल की जो परिस्थिति थी, साहित्य यूं ही रची गई चीज़ नहीं है, आप उसमें उस समय के समाज का प्रतिबिंब भी देखते हैं, तो अपने पूर्व के बारे में या अपने बीते हुए कल के बारे में जानने में हमें कठिनाई होती और बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास न होते अपने आप को समझने को, यदि लेखन कला का विकास न हुआ होता और लिखने और पढ़ना नहीं जानने से हम वंचित रह जाते अपने उन परंपराओं से भी जी, जो हम तक आज पहुंची हैं या दिखाई देती हैं। अब इतना ही नहीं, हम यदि देवनागरी को बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो बाएं से दाएं लिखते भी हैं। इस प्रकार लिखना एक तरह की बातचीत ही है। लिखते वक्त हम किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालांकि प्रायः वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है। बहुत सी बातें हम किसी सूचना, विचार या याद को सुरक्षित रखने के लिए लिखते हैं जी। यदि मैं अपने आज के अनुभव एक डायरी में लिखूं तो मैं उन अनुभवों को किसी और दिन पढ़ने की आशा में सुरक्षित रख सकूंगा। अध्यापक की हैसियत से हमें बच्चों को लेखन का परिचय बातचीत के एक रूप में देना चाहिए। मतलब लेखन एक तरफा प्रक्रिया न हो बल्कि अक्षरों तथा वर्णों को सुडौल तथा सुंदर बनाना भी लिखना कहलाता है जी। यानी अक्षरों का हमने कहा कि अक्षर जो आकृतियां हैं तो उनको सुडौल बनाने को भी हम लिखना कहते हैं और सुलेख उसका एक हिस्सा होता था पहले। लिखकर हम अपने विचार दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। बालकों
या बालिकाओं को लिखना सिखाने से पहले उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना आवश्यक है, तभी वे लेखन कार्य में रुचि ले सकेंगे। बच्चे बच्चियां क्रियाशील होते हैं तो हमें उनकी क्रियाशीलता को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को रंगीन चित्र की रूपरेखा देकर रंग भरने को कहा जा सकता है। बच्चे इस कार्य में बड़ी रुचि लेंगे जी। इस प्रकार हम बच्चों को देखी हुई वस्तुएं पेंसिल आदि द्वारा बनाने को कह सकते हैं, जो उनके पास उपलब्ध है उसके द्वारा बनाने को कह सकते हैं। बच्चों की इस रचनात्मक कृति का उपयोग एक कुशल अध्यापक द्वारा अक्षर लेखन में कराया जा सकता है जी, जी। आप इसके आधार पर आकृति बनाने की जो बच्चे या बच्ची की सामर्थ्य जी, है उस, जी, उसका उपयोग, चूंकि अक्षर भी एक तरह की आकृति है जी, तो उसका उपयोग हम बच्चों द्वारा अक्षर लेखन में कर सकते हैं। अर्थात उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिखना कहलाता है। शुरू में हमने जो चर्चा आरंभ की थी कि लिखना क्या है, तो उसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि उच्चारित ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के रूप में व्यक्त करना ही लिखना कहलाता है जी। लिखने में जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें अक्षर या वर्ण कहते हैं। लिखने का आरंभ लिपि के विकास के से ही आरंभ होता है जी। लिपियां जब अस्तित्व में आईं तब से लेखन कौशल का विकास होता है, क्योंकि लिखने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, तो लिपियां वो माध्यम है जिसमें हम लिखकर अपने आप को व्यक्त करते हैं जी। अब यहाँ इस भ्रम से भी निकल जाने की आवश्यकता है कि किसी भी भाषा की एक खास लिपि होती है, आज के संदर्भ में ऐसा नहीं माना जाता है जी। हाँ, प्रत्येक भाषा किसी न किसी लिपि में लिखी जरूर जाती है जी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है। तो इसलिए हर भाषा किसी न किसी लिपि को स्वीकार करती है, ऐसा नहीं है कि भाषा के साथ लिपियां जन्मजात होती हैं जी। भाषा तब तक नहीं विकसती या बन सकती है जब तक उसकी लिपि न हो जी। तो इस बोध से हम शिक्षक शिक्षिकाओं को भी बाहर निकलना चाहिए कि कोई भी भाषा, और आप उसका अनुभव अब कर ही रहे हैं अपने मोबाइल सेट पर, आप आराम से रोमन में भी लोगों को होली दिवाली ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हैं कि हिंदी भी आप रोमन में लिखते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ सुविधा ये है कि हिंदी में सिर्फ 70 अक्षर और अंग्रेजी के 140 अक्षरों का योगदान आपको SMS में मिलता है। तो जो उपलब्धता विज्ञान की है उसका आप उपयोग करते हुए आप स्वयं भी अनुभव कर रहे हैं कि, तो यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि लिपियों के विकास के साथ लिखना आरंभ हुआ। इससे भी पता चलता है कि वाचिक परंपरा में भाषाएं थीं, लिपियां आईं तो उन्हें हमने लिखित रूप दिया। जैसे वर्तमान में देवनागरी, फारसी, रोमन, प्रकृति अनेक लिपियों में बच्चे लेखन की अभिव्यक्ति आरंभ कर सकते हैं। ये वे लिपियां हैं, देवनागरी है, फारसी है, रोमन है, जिसमें वे लिखने का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। यदि प्रारंभिक समय में बच्चों को पेंसिल, खल्ली, चौक आदि दिया जाता है तो वह आड़ी तिरछी लकीरों एवं बिंदुओं के रूप में कुछ न कुछ स्लेट, पुस्तिकाओं एवं भित्ति पर अंकित करते जाते हैं जी। प्रौढ़ों की दृष्टि से इसे लिखना नहीं कह सकते, क्योंकि वे उसमें कोई अर्थ नहीं देख पाते हैं जी। ये बच्चे के लिखने की प्रक्रिया जी जो है उस पर आप बात कर जी, रहे हैं जी, जी। किंतु यदि बच्चों की दृष्टि से देखें तो इन सारी तिरछी रेखाओं में भी हमें एक अर्थ छिपा मिलेगा जी। वस्तुतः यदि देखा जाए तो मानव जीवन में लेखन का विकास यहीं से आरंभ होता है, यानी ये जो आड़ी तिरछी, बचपन की आड़ी तिरछी रेखाओं में हमारे लेखन के तत्व छुपे होते हैं। ये भविष्य में आने वाले एक विशाल लेखन रूपी वृक्ष के वो बीज हैं। बिल्कुल। तो निरंजन जी, लेखन की जो संकल्पना है और उसकी जो विकास यात्रा है, इस पाठ्यक्रम में, इस पाठ में हमें वह भी जानना है। तो अब हम आपसे लेखन की संकल्पना और विकास संबंधी अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं जी। जी, जिस तरह बच्चे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत जमीन पर घुटनों के बल चलते हैं, सहारा लेकर खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, जिस तरह पढ़ने लिखने के प्रक्रिया के तहत भी कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो स्वाभाविक हैं। जब बच्चा पहला शब्द बोलता है तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी उस बच्चे को घेर कर यह उम्मीद करते हैं कि वह कब एक और शब्द बोलेगा, यानी एक ललक उसको सुनने की
परिवार के उन सदस्यों में जगती है जो बोलने की कला से वाकिफ हैं या उसको बोलते हुए सुनना चाहते हैं। पर सोचने की बात यह है कि हम उसी बच्चे को तब क्यों नहीं उम्मीद भरी नज़रों और उत्साह से देखते हैं जब वह पहली बार पेंसिल पकड़कर लकीर खींचता है। जी, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने पहली बार बोला था तब तो हम सब ने घर के सब उत्साह में तालियां बजाई थी। जी, वो जब पहली बार पेंसिल पकड़कर एक आड़ी तिरछी रेखा खींचता है तब तो उसका उत्सव नहीं मनाया जाता। तब उसका उत्सव हम मनाते नहीं, बल्कि कई बार तो ये होता है कि हमारी आपकी आपके किसी कागज पर या किताब पर उसने ऐसी लकीर खींच दी तो हमारी भवें ही उस पर तन जाती हैं, जबकि उसे भी एक उत्सव की तरह लिया जाना चाहिए कि बच्चे ने उस लकीर से आज लिखना शुरू किया। जी, एक बच्चे के लिए किसी लिखित प्रतीक का अर्थ बनाना या जमीन दीवार अथवा कागज पर रेखा खींचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक कदम है जो बच्चे ने उठा लिया है एक पड़ाव पार करने की तरफ। जी, यानी लेखन, जिसे हमने शुरू में कहा था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, उस चुनौती को से जूझने के लिए या उस चुनौती पर विजय पाने के लिए यह आड़ी तिरछी रेखा एक महत्वपूर्ण कदम है, यह हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रारंभिक समय में बच्चों की ये तिकोनी रेखाएं अभिव्यक्ति का एक माध्यम होती हैं। जी, इन लकीरों में बातें हैं, अर्थ है, भाव है और पारंपरिक लेखन की ओर बढ़ने की क्षमता और विश्वास है। जी, हम शिक्षक शिक्षिकाओं को इसे हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये तिकोनी रेखाएं अभिव्यक्ति का माध्यम है, बच्चा इन तिकोनी आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त कर रहा है और जो लकीरें उसने बनाई हैं उन लकीरों में बातें हैं, अर्थ है, भाव है और पारंपरिक लेखक लेखन की ओर बढ़ने की क्षमता और विश्वास है। हम शिक्षक शिक्षिकाओं को इसका उपयोग करना चाहिए कि किस तरह हम अब इन लकीरों से उसे लेखन की अपरिचित दुनिया में इस तरह शामिल करें कि वह संसार उसके लिए अपरिचय से भरा हुआ ना हो, खुल जाए। जी जी, और लेखन सीखने में उसे, लिखना सीखने में उसे सहयोग मिले, उसका उत्साह वर्धन हो। लकीरों को कक्षा में बिना रोके टोके स्वीकारना और उस पर बात करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लकीरें बच्चों के लेखन के विकास का प्रारंभिक महत्वपूर्ण स्थल हैं। जहाँ बच्चा पढ़ने लिखने को सार्थकता से देख रहा है, वह यह समझ रहा है कि मन की बातों को लिखा जा सकता है और लिखी गई बात को पढ़ा जा सकता है, यह एक बड़ा विश्वास है और एक बड़ी दुनिया उसके सामने खुल रही है। लेखन की इस प्रक्रिया में बच्चों का आगे बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चों को ऐसा माहौल कितना मिल पा रहा है जो सार्थक प्रिंट से समृद्ध है। यहाँ प्रिंट से आशय सिर्फ दीवारों पर कहानियाँ किताबों के चार्ट बनाकर चिपका देने से नहीं है, बल्कि प्रिंट की सार्थकता के मायने तब सिद्ध होते हैं जब उस प्रिंट जैसे कहानी, कविता आदि की किताबें, चार्ट, कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी अन्य सामग्री का बच्चों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा हो। यहाँ एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम लिखना सीखने के लिए या पढ़ना सीखने के लिए जिस तरह के की शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं, TLM का उपयोग करते हैं, कई बार वर्षों पुराने ये हमारे TLM ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे किसी TLM मेला के लिए बनाए गए हों। जी, यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप लेखन सीखने के लिए बच्चों को अभिप्रेरित कर रहे हैं जी, तो आपने जो भी सामग्री विकसित की है बच्चे उसके साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसका स्वरूप बिगड़ेगा। और यह बहुत सामान्य सी और साधारण सी बात है कि आप किसी भी विद्यालय में जाकर वहाँ रखी गई इन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों को देख कर ज्ञात कर सकते हैं कि इनका उपयोग हुआ है या नहीं। जी, यदि उनके रूप में कोई गड़बड़ी है, यानी उनका रूप बिगड़ा है लिखने के सीखने के क्रम में या पढ़ना सीखने के क्रम में, तो समझ लीजिए कि इनका उपयोग हुआ किया गया। यदि वो यथावत हैं, एकदम ताज़ा हैं, तो समझ लीजिए कि ये सजावट की वस्तु हैं जिसे इस विद्यालय ने बना कर रख दिया है कि आगंतुक आएँ और यह विश्वास करें कि इस विद्यालय में शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री भी बनाई जाती है जिसे सुरक्षित रखा गया है। ज्ञानदेव जी, लेखन के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें की जी, पढ़ने और लेखन के संबंधों पर भी थोड़ी बातचीत हो जाए जी। इनका अनन्य आश्रय
संबंध है और इसलिए वो एक साथ हैं भी, उसे हम एक प्राकृतिक प्रक्रिया के सहारे समझें कि जैसे बच्चा एकाएक चलना नहीं आरंभ करता है, सर्वप्रथम वह घुटनों के बल चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होता है, उसके बाद प्रथम कदम बढ़ाता है और लड़खड़ा कर गिर जाता है। गिरने पर परिवार के सदस्यों द्वारा पुनः प्रोत्साहन मिलने पर लकड़ी की गाड़ी द्वारा बाद में खुद ब खुद चलना सीख लेता है। वही बालक क्रमबद्ध तरीके से चलना सीख कर विश्व का सर्वश्रेष्ठ धावक भी बन पाता है या बन जाता है। जी जी, यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस समय यह बच्चा घुटनों के बल चलकर खड़ा होना चाहता है, यदि अभिभावकों के द्वारा डांट दिया जाता या हतोत्साहित कर दिया जाता, तब यह बच्चा भविष्य में तेज धावक नहीं कभी बन, नहीं कभी नहीं सकता। जी जी, ठीक यही बात लेखन की क्रिया के संबंध में भी लागू होती है या पठन की क्रिया के संबंध में भी लागू होती है। बार बार प्रयास के बाद बच्चे या बच्ची सीखते हैं। जी जी, बच्चा जब लेखन सामग्री जैसे पेंसिल, खल्ली, पेन इत्यादि पकड़ता है तो अपने भावों को बिंदुओं में, आड़ी तिरछी रेखाओं में व्यक्त करता है। यदि अभिभावक प्रारंभिक काल से ही उसे प्रोत्साहित करता तो शनै शनै प्रतीकात्मक चित्रों एवं वर्तनी से पारंपरिक लेखन की ओर अग्रसर होता है। यदि हम उसे उसी समय हतोत्साहित कर दें तो वह निश्चय ही वह बच्चा लेखन की क्रिया से दूर भागने लगेगा। अतः शिक्षक शिक्षिकाओं का कर्तव्य है कि हम बच्चों के लेखन की प्राथमिक अवस्थाओं का सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें, उसके प्रथम प्रयास को प्रोत्साहन दें। हमें पूरा विश्वास है कि बच्चा धीरे धीरे पारंपरिक लेखन की ओर शीघ्रातिशीघ्र अग्रसर होगा। जब हम लोग पढ़ना और लिखना के अंतः संबंधों के विषय में विचार करते हैं तो अब तक हम जान चुके हैं कि पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास साथ साथ होता है। जी, ये दोनों कौशल साथ साथ विकसित होते हैं। जब हम लिखते हैं तो उसे पढ़ते भी जाते हैं। एक कौशल का विकास दूसरे कौशल के विकास को प्रभावित करता है। इसी क्रम में झुनिया की कहानी के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि बच्चा लिपि चिन्हों को जाने बिना भी उन्हें पढ़ सकता है। बच्चे आड़ी तिरछी रेखाओं के माध्यम से अपने मन की बात को अभिव्यक्त भी करते हैं। कक्षा में लेखन के परिप्रेक्ष्य में एक बार फिर पढ़ने लिखने का संबंध समझना अनिवार्य है, जैसा कि पहले बात की गई है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। पठन में सीखी गई अवधारणाएं और कौशल लेखन में कम आते हैं और लेखन की पठन में कम। अतः बच्चों के लिखित संदेशों को उन्हीं के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए तथा पढ़ी हुई सामग्री से संबंधित लेखन का कार्य देना चाहिए। इससे पढ़ी हुई सामग्री की समझ बच्चों को अपने निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति में सहायता करेगी। यह प्रक्रिया लेखन को अर्थपूर्ण संदर्भों में प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगी। लेखन के दौरान एक लेखक अपने विचारों के साथ जूझते हुए उन्हें कागज पर उतारने की कोशिश करता है। यह प्रक्रिया पढ़ने लिखने के बीच घनिष्ठ संबंध बनाने में और इन्हें गहराई से समझने में सहायक होती है। एक स्थायी पाठक और एक अच्छा लेखक बनने में यही कौशल महत्वपूर्ण है। यह लेखन की उस दुनिया से हमारा परिचय है जहाँ बच्चे लेखन और पठन दोनों कौशलों का विकास एक तरह से साथ साथ कर रहे हैं। ज्ञानदेव जी, आपने बहुत ही रोचक और विस्तृत तरीके से लेखन की संकल्पना के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसके महत्व के बारे में और प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। हमारे शिक्षार्थियों को निश्चित रूप से इससे फ़ायदा हुआ होगा। हम लोगों ने बखूबी जाना कि जो आड़ी तिरछी रेखाएँ लिखी जाती हैं वे अर्थपूर्ण हैं और उसमें भविष्य रूपी लेखन का जो वृक्ष तैयार होने वाला है उसके बीज रूप में उन चीज़ों को हम देख सकते हैं। उसी तरह पढ़ने और लिखने की दुनिया का भी एक संबंध है और उसी तरह यह भी बात कि हम बार बार गलतियां करके ही सीखते हैं। और आपने ज्ञानदेव जी, आपने बहुत ही रोचक उदाहरण दिया कि जो बच्चा विश्व प्रसिद्ध धावक बनता है वह भी कभी जब घुटनों के बल चला होगा तो गिरा होगा और उस वक्त उसके माँ पिताजी या उसके आसपास के लोग यदि टोक दिए होते, रोक दिए होते तो उसकी जो सामर्थ्य है या उसकी जो भविष्य की आने वाली एक दिशा है वही बाधित हो जाती। उसी तरह लिखने की दुनिया में भी हमें उदार तरीके से सोचने समझने की ज़रूरत है।
आप यहाँ इस विषय पर चर्चा करने के लिए पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।